आज शेयर करूंगी मैं आपके साथ एक सिंपल सी एग फ्राई की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और जितनी सिंपल है उतनी ही टेस्टी है, और मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। ब्रेकफास्ट में खा लो, कभी भी खा लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे एक अंडा लिया है मैंने, तो इसको फोड़ लेंगे। इसको विस्क कर लेंगे। तो ये विस्क कर लिया मैंने। इसे बनाएंगे हम देसी घी में। सॉरी, बच्चों का काफी शोर आ रहा है, खेल रहे हैं बाहर। देसी घी में जो है ना अंडे काफी अच्छा लगता है, और आप ब्रेकफास्ट में इसे बनाइए, बहुत ही यम्मी लगता है और इजी है। मुझे तो शाम को भी जब कोई भूख लग जाती है लेट नाइट, तब भी मैं बनाती हूँ इसे। घी गरम हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, इसकी जगह आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल दूंगी मैं कड़ी पत्ता। बहुत ही सिंपल सा तड़का है, बेसिक सा तड़का है, और कुछ कुछ सिमिलर है जग्गू दादा की अंडा कड़ी पत्ता से। बस थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे इसमें सॉल्ट स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। बस इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं डालना है। इसे फ्लिप कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। देसी घी या बटर में बनाने से ना इसका स्वाद सच में ही काफी अच्छा हो जाता है। इवन जो अंडे की एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है ना, वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। आपको जितना अंडा फ्राई करना है ब्राउन लेके आना है। कुछ कुछ को कम फ्राई पसंद है, जैसे मुझे तो भाई अच्छा ब्राउनिश सा होना चाहिए, अच्छे ब्राउन ब्राउन चित्ते आने चाहिए। दूसरी साइड से फ्लिप कर देते हैं। काफी अच्छा बना है देखिए। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं। तैयार हो गया है सिंपल सा एग फ्राई, बहुत ही इजी है। ऑमलेट बोल लीजिए इसे, एग फ्राई बोल लीजिए। तो आप भी ये सिंपल सा तड़का लगा के देखिए, और आप यकीन नहीं मानेंगे इतना फ्लेवरफुल बनेगा ना ये, कि आप हमेशा इसे ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।